जिथे नजर जावे तां उत्थे पाणी ही नजर आ रहा है। तस्वीरां किते होर दियां नहीं पंजाब दियां हन, जिथे नहर अते सड़कां च हुण कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा। अते मुश्किल इस कदर वधी है कि पिंडा तो लैके शहर शहर पानी दी चपेट च है। नहरां दे बन टुट चुके हन, नदी नाले उफान ते ने ते लगातार बरस रही तूफानी आफत च बचा कारज भी जारी है। सीएम वालों मौजूदा स्थिति नु देखदिया होया खुद ग्राउंड जीरो ते पहुंच जायजा लिया गया। सीएम मान दा दावा है कि स्थिति नु देखदिया बचा कारज जारी है अते पंजाब वासियां नु घबराउण दी लोड़ नहीं, सरकार मुस्तैदी दे नाल कम कर रही है। सो घबराउण दी जां पैनिक होण दी लोड़ नहीं, सरकार बिल्कुल नाल खड़ूगी लोकां दे। साडे सारे एमएलए, साडे सारे मिनिस्टर साहिबान, साडे सारे ऑफिसर्स, मैं पल पल उन्हां तों जानकारी भी लै रहा पंजाब दी। किते नुकसान रब ना करे होया भी तां असीं लोकां दे नाल खड़ांगे। स्पैशल गिरदावरियां करवाउण दी लोड़ पई, किसी दे कोई रब ना करे पशु डंगर जिहड़े उन्हां दा नुकसान होया जां पशुआं डंगरां वाला वाड़ा ढह गया, छत डिग पई, किसी कच्चे घर ढह गए, असीं जिहड़ा लोकां दे नाल खड़ांगे। जिथे आसमान तो लगातार आफत बरस रही है ते दरिया अते नाले भी उफान ते हन, कई थावां ते नहर दे बन टुटे अते पानी किसानां दे खेतां तक पहुंच गया अते सैकड़े एकड़ दी फसल हुण पानी दे हेठां आ गई है। स्पेशल गिरदावरियां अपना करे पशु डंगर जिहड़े उहनां दा नुकसान होया जां पशु डंगर वाला बाड़ा ढह गया, छत डिग पई, किसी ड्रोन राही प्रभावित इलाकियां दा जायजा लिया जा रहा है ताकि समा रहंदे इस सैलाब दी दस्तक दी खबर मिल सके। ए तस्वीरां श्री आनंदपुर साहब दियां हन जो कि चिंता वधा रहियां ने। पिछले दो दिनों तो हो रही भारी बरसात के कारण जिथे पहाड़ी इलाकों के जनजीवन अस्त व्यस्त होया पिया, पहाड़ियां ते टिग्गा डिगन दा घटनावां जिहड़ियां सामने आ रही, उत्थे मैदानी इलाकों की गल कर ली जाए तो तस्वीर आनंदपुर साहब दियां ने। इन तस्वीर देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल सतलुज दरिया के किनारे वसे पिंडां दे विच हड़ वर्गे हालात जिहड़े आ बने हुए आ। सतलुज दरिया बिल्कुल उफान ते हैगा और नाल दी नाल सवा नदी भी पूरी तरह उफान ते हैगी है। जिस तरीके तुसीं तस्वीरां भी देख सकते हो कि सतलुज दरिया के किनारे ते असीं पिंड बुरज दे विच खड़े हां ते जिथे खेतां दे विच पानी घूम रहा है उत्थे ही लोकां दे घरां दे विच ते सड़कां दे विच पानी जिहड़ा है घूमदा होया दिखाई दे रहा है। जिथे पानी दा पद्धर लगातार वधदा ही जा रहा है तां पिंडां दे नाल संपर्क भी टुटदे जा रहे ने अते बरसात दे कहर दे चलदे मकौड़ा पतन दे सत पिंडां दे नाल भी संपर्क टुट चुका है। ये हड़ की स्थिति जहां पर बन चुकी है और जो रावी और उज दरिया है वो ओवरफ्लो होके ये चल रहा है और बरसातों के हर बार यही हाल होता है जनाब है कि साडा संपर्क उन्होंने पिंडों का कट जाता है। जो भी पार पांच पिंड है पांच सात पिंड सानू बहुत कठिनाई का सामना करना पैंदा। जिक्रयोग है कि घग्गर दरिया भी तांडव कर रही है, पानी का पद्धर हर कुछ घंटिया च वध रहा है। जेकर बीते दिन तक की गल की जाए तो कनोरी च घग्गर दे पानी का पद्धर 739 फुट तक सी जो कि रात बीतते ही हुण 11 फुट होर वध गया। ਸੀ ਬਸ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਆਏ ਆ ਘੱਗਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਾਂ ਲਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। हर पासे पानी दी दस्तक तबाही मचा रही है। सतलुज दरिया दे बन च तरेड़ कारण फिलौर दी पीपीए अकैडमी भी हुण पानी दे घरा च है अते तबाही तुहाडे सामने है। असी इको एक गल लोकां नूं अपील जरूर मैं करदा हां कि हुण जिहड़ा हैगा आ ईश्वर जिहड़ी हैगी आ भावें असी सुरक्षित कहीए परंतु अपने आप नूं जान माल जिहड़े हैगे आ जिहड़े भी कितें नीवे स्थानां ते हैगे आ उह अपने आप नूं उच्चे स्थानां ते जिहड़ा हैगा जा के सुरक्षित हो सकण। जिथे लुधियाना दे नेड़ले इलाके अते पिंड पानी नाल परे नजर आ रहे ने तां उत्थे ही शहर वासी शहर चो वेंदे होए बुड्डे नाले दी मार चलन नूं मजबूर हन क्योंकि नाले दा गंदा पानी ओवरफ्लो हो हुण लोकां दे घर च दाखल हो रहा है।
अज मान साहब ने जो आदेश दिए ने साडे हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने साडे आदेश दिए ने, तकरीबन असी जिन्ने MLA और सारे जिन्ने ऑफिसर सभा ने, चाहे वह लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वह कारपोरेशन ने, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वह होर डिपार्टमेंट ने, अज सारे दरिया के उपर ने, किते ना किते कोई दिक्कत नहीं आने देंदे। दोराहा च नहर टुटन नाल आर्मी एरिया च पानी भर गया, फौज की मदद दे नाल बन लाउण दा काम जारी है। मी है कि रुकण दा ना ही नहीं लै रहा, जिन्हां सड़कां ते गड्डियां दौड़दियां सन हुण इन्हां सड़कां ते किश्तियां चल रहियां ने। बरसात इस कदर रौद्र रूप धार चुकी है कि खरड़ शहर च पक्की इमारतां भी जमीन दोज हुंदी नजर आई। ਇਲੀਗਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਕੜ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। पानी का यह सैलाब करोड़ों का नुकसान कर रहा है, जानी नुकसान तो लेके माली नुकसान तक पंजाब नूं वड्डी सट पहुंचा रहा है। हालांकि प्रशासन अते बचाव कारज च लगियां टीमां लगातार काम कर रही हैं अते लोकां नूं सुरक्षित इलाकियां च पहुंचाया जा रहा है।